ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में आज भी शिक्षा के अभाव के चलते बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर देखा गया है कि स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन वहां सरकार शायद स्कूल में सुविधाएं और अध्यापक दोनों ही देना भूल चुकी है। चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संघनी की बात करें तो यहां पर पिछले कई महीनों से एक भी अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है। जिन अध्यापकों को यहां तैनात किया जाता है वो कुछ ही समय बाद बदल दिए जाते हैं। यहां पर पीजीटी का कोई भी स्टाफ पूरा नहीं है और इससे हमारी पढ़ाई में बाधा आ रही है और मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पीजीटी का स्टाफ पूरा किया जाए। हमारे यहाँ जो पीएचडी का स्टाफ है वो यहाँ पूरा नहीं है। कितने टीचर पूरे हैं अभी? हमारे यहाँ तो पीएचडी का कोई नहीं है। अभी बच्चों की वार्षिक परीक्षाओं को कुछ ही महीने बाकी हैं और बच्चे अपने वार्षिक परिणाम को लेकर काफी चिंतित हैं। बच्चे सुबह स्कूल आते हैं और अपने आप पढ़ाई लिखाई कर वापस चले जाते हैं। जी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगनी की बात की जाए या मिडिल स्कूल प्रिंगल की बात की जाए तो यहाँ तो बिल्कुल टीचर एक भी नहीं है। जब एग्ज़ाम हमारे बच्चों के सर पे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनका ये मानना है कि अगर ये जो स्तर हमारा चला गया इस टाइम, जो आगे एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है, आने वाले टाइम में जैसे मार्च में जैसे नई एडमिशन है, तब तक नहीं होगी जब तक नहीं हमारे स्कूलों में टीचर पूरे होंगे। यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल में कोई भी अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं है। कुछ महीने पहले कुछ विषयों के अध्यापक पढ़ाया करते थे लेकिन उनका भी यहाँ से तबादला कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अब पढ़ाई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सर हमारे स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है सर, जैसे कि सर इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, हमारे प्रिंसिपल सर भी नहीं है। पहले पहले तो आए थे लेकिन एक दो साल उन्होंने नौकरी की और चले गए। यहाँ के लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि उनके स्कूल में खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भरा जाए ताकि बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।